नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगले 2-3 महीने के अंदर साल 2019 में आप जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनमें साल 2018 के पूरे साल के करंट अफेयर्स पूछे जाने के 100% चांसेस रहेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि रेलवे एग्ज़ाम हो गया तो उनकी तैयारी के लिए आप मेरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। कई सारे टॉपिक्स पर मैंने वीडियो अवेलेबल करवा दिए हैं 2018 के। और फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट रस्तियाँ, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो में, जिनका निधन हुआ है उनके बारे में डिटेल से बताया। जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी हैं और स्टीफन हॉकिंस हैं, इनका निधन हुआ है, बहुत ही फेमस हस्तियाँ हैं ये। और फ्रेंड्स, एक और फेमस हस्ती है, भारत के पहले वनडे कप्तान, वनडे टीम के पहले कप्तान कौन थे, उनका नाम कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, जिनकी निधन इसी साल हुआ है। और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊँगा, जैसे कि टेस्ट टीम के पहले कप्तान थे लाला अमरनाथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। और फ्रेंड्स, एक पुस्तक है बियॉन्ड द लाइंस, इस पुस्तक के लेखक का निधन हुआ है इसी साल, बहुत ही फेमस बुक रही है ये, उस लेखक का नाम भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिन जिन मुख्य हस्तियों का निधन हुआ है इस साल। और फ्रेंड्स, इनमें से हैं कादर खान हैं पहले अभिनेता, अभी अभी निधन हुआ है 31 दिसंबर 2018 को। और ये फ्रेंड्स किस तरह के अभिनेता थे, कॉमेडियन थे, हास्य अभिनेता थे, कई बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है इनको बेस्ट कॉमेडियन का। और अगले प्रसिद्ध हस्ती हैं फ्रेंड्स वी एस नायपोल एक राइटर थे, एक ऑथर थे फेमस, और इनकी रचनाएं हैं इन ए फ्री स्टेट और एन एरिया ऑफ डार्कनेस। इनको बुकर प्राइज वगैरह काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, नोबेल प्राइज़ मिला है इनको, भारतीय मूल के थे ये, नोबेल का साहित्य लिटरेचर में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य का 2021 साल में। और फ्रेंड्स, अगली हस्ती देखते हैं, ये हैं सोमनाथ चटर्जी। सोमनाथ चटर्जी लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं भारत के 2004 से लेकर 2009 तक, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर भी बोल देते हैं लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर रहे हैं भारत के। और फ्रेंड्स, फिलहाल लोकसभा स्पीकर हैं सुमित्रा महाजन है। और फ्रेंड्स, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। ये 2009 में ही बनी थी इनके बाद, सोमनाथ चटर्जी के रिटायरमेंट के बाद, और उसके बाद सुमित्रा महाजन दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बन गई थी। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, ये रचनाएँ हैं प्रसिद्ध अटल बिहारी वाजपेयी जी की, संसद के 4 दशक और मेरी 51 कविताएँ, ये प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं अटल बिहारी वाजपेयी को। इनका निधन हो गया है इसी साल, 3 बार ये भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे, 1996 में, 98, 99 में, फिर 99 से 2004 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। और फ्रेंड्स, कारगिल का युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हुआ था। और अगली महान हस्ती है, बहुत ही महान हस्ती है दुनिया की, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम और ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स, इनके बार ये पुस्तकें इनकी रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं। स्टीफन हॉकिंस काफ़ी फेमस वैज्ञानिक रहे हैं, इनके जीवन पर फिल्म भी बन चुकी है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इनका निधन हो गया है इसी साल 2018 में। और फ्रेंड्स, ये ज्ञानपीठ अवार्डी हिंदी कवि हैं केदारनाथ सिंह, इनकी प्रसिद्ध रचना रही है अकाल में सारस, इनका भी निधन इसी साल हुआ है। और फ्रेंड्स, और भी देख, अगली प्रसिद्ध हस्ती हैं फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के 7वें महासचिव, ये हैं कोफी अन्नान, इनका निधन हुआ है इस साल 2018 में। और फ्रेंड्स, वर्तमान में 9वें यूएनओ सेक्रेटरी जनरल, महासचिव को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्रेटरी जनरल, महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। और फ्रेंड्स, ये इनका बताना है आपको किस देश के हैं, एंटोनियो गुटारेस, इनका देश लिख के कॉमेंट बॉक्स में बताना है किस देश के हैं। और फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल जिनका हाल ही में देहांत हुआ है, ये हैं बीडी टंडन, यानी बलराम जी दास टंडन, इनका देहांत हो गया है। और इनके स्थान पर अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है छत्तीसगढ़ की उपराज्यपाल का, ये हैं, मध्य प्रदेश की भी फिलहाल राज्यपाल हैं, दोनों राज्यों का राज्यपाल का कार्यभार संभाल रही हैं, ये हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की पहले मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, आनंदीबेन पटेल को इनका अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और फ्रेंड्स, अगले हैं
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किनको मिला? ये मिला है श्रीदेवी को। श्रीदेवी का भी निधन हो गया है इसी साल। श्रीदेवी को नेशनल फिल्म अवार्ड, बहुत ही बड़ा अवार्ड होता है नेशनल अवार्ड, और ये इनके करियर का भी बहुत ही बड़ा अवार्ड था और अवार्ड्स की तुलना में। मोम फिल्म के में अभिनय के लिए इनको ये अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, श्रीदेवी को। और फ्रेंड्स, यूएनओ के आठवें, बीच में जो आठवें महासचिव बच गए थे वो थे बान की मून, जो कि दक्षिण कोरिया देश से थे, बान की मून। और फ्रेंड्स, अगली प्रसिद्ध हस्ती हैं फ्रेंड्स गोपालदास नीरज। इनका यूपी सरकार ने इनको बहुत सारे अवार्ड दिए हैं पिछले सालों। गोपालदास नीरज कवि हैं एक प्रसिद्ध, इनको निधन हो गया है फ्रेंड्स इसी साल ही। और अगले हैं एम करुणानिधि, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ये थे तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि, इनका भी निधन हो गया है इसी साल ही। और ये डीएमके पार्टी से थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम इस पार्टी से बिलोंग करते थे। और फ्रेंड्स, अगले हैं बहुत ही चर्चित हस्ती हैं ये एनडी तिवारी, काफ़ी सुर्खियों में रहे ये पिछले सालों। यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये एनडी तिवारी, का भी देहांत हो गया इसी साल। और फ्रेंड्स, अगले हैं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक, इनका पॉल एलन का इस साल देहांत हो गया है। ये बिल गेट्स के साथ को फाउंडर थे माइक्रोसॉफ्ट के। और फ्रेंड्स, अगली हैं अस्थि कुंवर बाई, ये स्वच्छ भारत अभियान की आइकॉन रही हैं। 106 वर्ष की उम्र में इन्होंने बकरी बेचकर टॉयलेट बनाया था। कुंवर बाई का भी देहांत हो गया इसी साल ही। और फ्रेंड्स, अगली अस्थि हैं अन्नपूर्णा देवी। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि ये अस्थि किस क्षेत्र से संबंध रखती थी, इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अन्नपूर्णा देवी के बारे में पूछा जाएगा तो ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से संबंध रखती थी, और मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था अन्नपूर्णा देवी का। बहुत ही फेमस हस्ती रही हैं ये, हिस्टोरिक क्वेश्चन बनता है ये, काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है पहले भी। पंडित तुलसीदास बोरकर, ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? ये थे हारमोनियम वादक थे तुलसीदास बोरकर। और फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछे थे उनके आंसर्स आ गए हैं अब। बहुत ही फेमस हस्तियाँ हैं बियॉन्ड द लाइन्स, काफ़ी चर्चित पुस्तक रही है ये, आत्मकथा भी है कुलदीप नैयर की, ये किन की पुस्तक है? कुलदीप नैयर जी की। और फ्रेंड्स, अगली है भारत के पहले वनडे कप्तान कौन थे? अजीत वाडेकर, इनका भी देहांत हो गया है इसी साल ही। भारत के पहले वनडे कप्तान थे, इनकी कप्तानी में हालांकि बहुत ही कम मैच खेले थे, लेकिन पहले का रिकॉर्ड होता है ये, हिस्टोरिक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि टेस्ट कप्तान का काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है लाला अमरनाथ के बारे में। और फ्रेंड्स, वियतनाम के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देहांत हुआ है वियतनाम के राष्ट्रपति का, त्रानदाई क्वांग का। और फ्रेंड्स, जैन मुनि तरुण सागर काफ़ी पॉपुलर रहे पिछले सालों, और इनका संबंध किस धर्म से था? ये जैन मुनि थे, जैन मुनि तरुण सागर। और इनकी रचना कड़वे वचन है, कड़वे वचन ये एक एपिसोड के तहत टीवी पर देते थे, उनकी एक बुक प्रकाशित हुई थी कड़वे वचन नाम से, हरियाणा के सीएम के साथ इन्होंने लॉन्च की थी उस बुक को पिछले साल। फ्रेंड्स, इस वीडियो के कमेंट्स में जवाब देने के लिए मैंने दो क्वेश्चन वीडियो की शुरुआत में ही पूछ लिए हैं, और वीडियो के दौरान भी दो तीन क्वेश्चन पूछे हैं, उनके जवाब दीजिए आप। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले बहुत सालों में कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा ये होगा कतर में, कतर देश में होगा वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022। और फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल है। और फ्रेंड्स, आप में से सबसे पहले एक कमेंट आया पिछले वीडियो में उमा गौतम का, उसके बाद उमा के मैसेज हैं, कृष्णा यादव का, मयंक कटियार के मैसेज हैं, और उसके बाद एक के अनिल कुमार और संजय प्रसाद भी हैं। और फ्रेंड्स, और भी नाम हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। कन्हैया उपाध्याय के मैसेजेज हैं, और फ्रेंड्स ये हैं रिंकू शर्मा,
रिंकू शर्मा हैं, आरती भट्ट हैं, और उसके बाद बसंत खवेरिया हैं। बसंत आने वाला है अभी थोड़े दिन। तो फ्रेंड्स, आप सभी के नाम मैंने शामिल कर लिए हैं अब तक, जिन्होंने जुगाल बरूपाल भी हैं और नेक्स्ट सरकारी एग्जाम। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत